अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको लेके आया हूँ DHA फेज़ 9 लाहौर, जहाँ विज़िट करेंगे पांच मरला खूबसूरत A+ क्वालिटी में बिल्ड करदा हाउस जो कि सेल के लिए अवेलेबल है। व्यूअर्स, लोकेशन इसकी DHA फेज़ 9 लाहौर है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसकी वाइड रोड आपको दिखा दूँ, इस साइड से भी कारपेट रोड आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो राइट साइड पर आप देख सकते हैं इसको जो रॉक वॉल से कवर किया गया, सेंटर के अंदर वुडन टेक्सचर टाइल का यूज़ किया गया, और लेफ्ट साइड पर टाइल के साथ आप देख सकते हैं एक बड़े साइज़ की वेंटिलेशन के लिए विंडो डिज़ाइन की गई है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये एक्सटर्नल लॉन का एरिया डिज़ाइन है, उसका व्यू आप कर सकते हैं, और आउटर वॉल पर देख सकते हैं वुडन टेक्सचर टाइल के साथ रॉक वॉल का यूज़ किया गया मैट पैटर्न्स के साथ। इस साइड पर इसका कार रैंप का एरिया है, और यहाँ से हम एंटर होते हैं तो इसका कार पोर्च का एरिया आ जाता है, उसका व्यू कर सकते हैं, खूबसूरत टाइल वर्क इधर हुआ है। अगर इसके लेफ्ट साइड गैलरी की बात करें तो आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल ग्रास और टाइल से इसकी जो गैलरी डिज़ाइन की गई है, खूबसूरती से आप देख सकते हैं इसमें कलर पैटर्न्स यूज़ किए गए। राइट साइड पर भी सेम आर्टिफिशियल ग्रास और वुडन टेक्सचर टाइल के साथ इसकी जो वॉल डिज़ाइन की गई है उसका भी व्यू कर सकते हैं आप। और व्यूअर्स, 3-साइडेड इसकी ओपन गली छोड़ी गई है, एक फ्रंट साइड पर, एक बैक साइड पर, और एक आप देख सकते हैं राइट साइड पर। जो राइट साइड पर आप देखें तो कम्प्लीटली मैट पैटर्न के साथ इसको जो रॉक वॉल से कवर किया गया है। गराज की अगर बात करें तो इसमें देख सकते हैं एक बड़े साइज़ की कार इजीली पार्क की जा सकती है, और सामने आप देखें तो इसमें वुडन टेक्सचर टाइल का यूज़ किया गया, लेफ्ट साइड पर आप देखें तो वाइट कलर की टाइल्स का यूज़ किया गया, और ऊपर इसका खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं। एंट्रेंस पर आप देखें तो खूबसूरत एक बड़े साइज़ का जो डोर इंस्टॉल किया गया वो आप देख सकते हैं सॉलिड वुड का, और स्टेप्स पर आप देखें तो जेट ब्लैक ग्रेनाइट का यूज़ किया गया। यहाँ से हम अंदर एंटर होते हैं, तो खूबसूरत आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइल वर्क किया गया। सामने इसकी फीचर वॉल डिज़ाइन है, उसमें देख सकते हैं जो मिरर ग्लास के साथ आप देख सकते हैं कम्प्लीटली वॉलपेपर का यूज़ किया गया। इस साइड पर इसकी एल शेप में वेंटिलेशन विंडो डिज़ाइन की गई, उसका भी व्यू कर सकते हैं, और इस साइड पर आप देखें तो खूबसूरत आर्टिफिशियल प्लांट्स इंस्टॉल किए गए। इस साइड पर आप देखें तो इसमें जो इसकी मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है जिसके अंदर गोल्डन ट्रिम्स के साथ यूवी शीट्स का यूज़ किया गया। राइट एंड लेफ्ट साइड पर आप देखें तो वुडन ट्रिम्स का यूज़ किया गया, और नीचे आप देखें तो यूवी शीट्स इसके जो कवर डिज़ाइन की गई हैं उसका भी व्यू कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं इसके जो क्लोज किचन की तरफ, उसका व्यू कर लेते हैं। एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं वुडन टेक्सचर टाइल का यहाँ पर यूज़ किया गया, और सामने आप देखें तो कम्प्लीटली तौर पर जो यूवी शीट से इसकी कवर डिज़ाइन की गई है। यहाँ पर स्लैब पर आप देखें तो जेट ब्लैक ग्रेनाइट का यूज़ किया गया जो बर्नर के साथ, ऊपर इसका स्मार्ट रेंज हुड इंस्टॉल किया गया। इस साइड पर देखें तो इसकी वेंटिलेशन विंडो डिज़ाइन की गई है वॉश बेसिन के साथ, कंप्लीट आप व्यू चेक कर सकते हैं इस कम्प्लीटली खूबसूरत किचन का। व्यूअर्स, इसके बाद चलते हैं इसके बेड्स की अकोमोडेशन की तरफ। इस फ्लोर पर एक बेड इसकी अकोमोडेशन दी गई है, सामने इसकी वेंटिलेशन विंडो डिज़ाइन है गैलरी साइड पर। इस साइड पर इसकी फीचर्ड वॉल डिज़ाइन की गई, उसका भी व्यू कर सकते हैं, खूबसूरत वॉलपेपर इसमें यूज़ किया गया। लेफ्ट साइड पर इसकी जो आप देख सकते हैं वॉल डिज़ाइन की गई, इसमें मोल्डिंग का यूज़ किया गया। ऊपर इसका व्यू खूबसूरत सिंपल सीलिंग डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं, इसका कम्प्लीट व्यू आप चेक कर सकते हैं इस रूम का। इसके बाद चलते हैं इसके अटैच बाथरूम की तरफ। व्यूवर्स, एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं सेम खूबसूरत टाइल वर्क किया गया, इसमें कम्प्लीटली ऊपर तक कम्प्लीट टाइल या बाथ है। इस साइड पर देखें तो इसकी जो कस्टमाइज वैनिटी इंस्टॉल की गई है, स्लैब पर आप देखें तो कोरियन की स्लैब यूज़ की गई यहाँ पर, और ऊपर इसका देखें LED मिरर इंस्टॉल किया गया है। आगे थोड़ा मजीद जाएँ तो यहाँ पर इसके हमें कमोड की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, और इसके बिल्कुल साथ आप देखें तो इसका सेपरेट शावर कैबिन एरिया डिज़ाइन किया गया, इसमें भी खूबसूरत टाइल पैटर्न्स का यूज़ किया गया आप देख सकते हैं वेंटिलेशन विंडो के साथ। व्यूवर्स, वायत्रा की इसमें कम्प्लीटली एसेसरी यूज़ की गई हैं, और इस साइड पर देखें तो बाथ के अंदर ही आप चेक कर सकते हैं इसकी जो कम्प्लीटली तौर पर कवर डिज़ाइन की गई हैं। जी व्यूअर्स, इसके बाद चलते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ, उधर भी व्यू कर लेते हैं मजीद अकोमोडेशन का। उससे पहले स्टेप्स पर आप देख सकते हैं जेट ब्लैक ग्रेनाइट का यूज़ किया गया, रेलिंग इसमें कस्टमाइज आयरन की गई है, और टॉपिंग पर देखें तो वुडन का यूज़ किया गया। स्टेज के अंदर ही आप देखें तो खूबसूरत वॉलपेपर्स का यूज़ किया गया है ऊपर तक कम्प्लीटली, जो कि खूबसूरत लुक दे रही है।
व्यूवर्स ऊपर एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें टीवी लॉन्च का एरिया मिल जाता है जो हम सिटिंग एरिया भी कहते हैं। सामने इसके वेंटिलेशन विंडो डिजाइन की गई जिसमें आउटर पर देखें तो कम्प्लीटली ग्रीन आर्टिफिशियल ग्रास का यूज किया गया और ऊपर आप देखें तो वेंटिलेशन के लिए ऊपर ग्लास भी डिजाइन किया गया ऊपर टेरेस पर। इस साइड पर आप देखें तो खूबसूरत इसमें जो प्लांट्स इंस्टॉल किए गए। राइट साइड पर देखें तो इसकी मीडिया वॉल डिजाइन की गई यहाँ पर सेम, यहाँ भी राइट एंड लेफ्ट साइड पर वुडन ट्रिम्स यूज की गई। सेंटर के अंदर यूवी शीट्स के साथ गोल्डन ट्रिम्स का यूज किया गया और नीचे ड्रॉर्स में यूवी शीट्स का यूज किया गया। ऊपर इसका खूबसूरत सीलिंग डिजाइन आप चेक कर सकते हैं फानूस के साथ। इसके बाद इसके बेड्स की कॉम्बिनेशन है, राइट साइड पर बेड फर्स्ट है, लेफ्ट साइड पर बेड सेकंड है। सबसे पहले बेड फर्स्ट का विजिट कर लेते हैं। व्यूवर्स एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं सामने एक बड़े साइज की जो वेंटिलेशन विंडो डिजाइन की गई इस रूम के लिए और राइट साइड पर इसकी देखें तो कम्प्लीटली इसकी फीचर वॉल डिजाइन की गई है खूबसूरत वॉल कलर पैटर्न के साथ। आप देख सकते हैं वॉलपेपर डिजाइन किया गया, ऊपर इसका खूबसूरत सीलिंग डिजाइन आप चेक कर सकते हैं। इस साइड पर देखें तो इसका अटैच बाथरूम की अवेलेबिलिटी हमें मिल जाती है। व्यूवर्स यहाँ हम एंटर होते हैं तो आप चेक कर सकते हैं सामने इसका जो मिरर इंस्टॉल किया गया और उसके नीचे इसकी कस्टमाइज वैनिटी कोरियन की यहाँ स्लैब यूज की गई है वैनिटी की स्लैब। यहाँ पर इसका सेपरेट शावर कैबिन एरिया डिजाइन किया गया वो आप देख सकते हैं कम्प्लीटली वाइट तरह की, इसमें भी एक्सेसरीज यूज की गई है और यहाँ पे हमें कमोड की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। व्यूअर्स एक बैक साइड पर आप देखें डोर की तो कम्प्लीटली इसमें जो खूबसूरत यूवी शीट्स के कलर पैटर्न्स के साथ इसकी जो कवर डिजाइन की गई है। ये राइट साइड पर देखें तो इसकी वेंटिलेशन विंडो डिजाइन की गई उसका भी व्यू आप कर सकते हैं। जी व्यूअर्स इसके बाद चलते हैं इसके जो मेन जो सेकेंड बेडरूम की अकोमोडेशन और क्लोज किचन का भी व्यू कर लेते हैं। व्यूवर्स यहाँ से हम क्लोज किचन की तरफ जाते हैं, छोटा सा यहाँ पे किचन डिजाइन किया गया इसमें आप देख सकते हैं सामने इसकी वेंटिलेशन विंडो डिजाइन की गई है स्लैब पर जेट ब्लैक ग्रेनाइट और यूवी शीट्स आप देख सकते हैं कवर डिजाइन है वो हमें मिल जाता है। ये इसका सेकंड बेडरूम की अवेलेबिलिटी आप देख सकते हैं सामने इसकी वेंटिलेशन विंडो है। राइट लेफ्ट साइड पर देखें तो इसकी जो फीचर वॉल डिजाइन की गई उसमें जो वॉल हैंगिंग खूबसूरत लाइट्स यूज की गई है उसके साथ आप देख सकते हैं वॉलपेपर का यूज किया गया। इस साइड पर इसकी मीडिया वॉल डिजाइन की गई है जिसमें मोल्डिंग का यूज किया गया उसका भी व्यू कर सकते हैं कम्प्लीटली। इस साइड पर भी आप देख सकते हैं मोल्डिंग का यूज़ किया गया। जी व्यूज़ के बाद चलते हैं इसके अटैच बाथरूम की तरफ उसका भी विजिट कर लेते हैं। व्यूज़ अंदर एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत किस्म के बाथ इस पांच मरला घर में डिज़ाइन किए गए जो कि अमूमन हमें दस मरला या एक कनाल में इस तरह के डिज़ाइन मिलते हैं। कम्प्लीटली जो बाथ है कम्प्लीटली जो ब्रांडेड एक्सेसरीज यहाँ पर यूज़ की गई हैं वायतरा की वो आप व्यू कर सकते हैं। ये इसका कमोड इंस्टॉल किया गया उसके आप देख सकते हैं सेपरेट शावर कैबिन एरिया में खूबसूरत टाइल वर्क किया हुआ है। इस साइड पे इसकी कस्टमाइज वैनिटी है कोरियन की स्लैब के साथ ऊपर इसका एलईडी मिरर इंस्टॉल किया गया वेंटिलेशन विंडो के साथ। इस साइड पे व्यूज देखें तो इसकी कम्प्लीटली तौर पर कवर डिजाइन में हमें मिल जाता है उसका भी व्यू आप कर सकते हैं। जी तो व्यूज ये पांच मल्ला ब्रांड न्यू हाउस जिसका आपने अभी विजिट किया घर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं खूबसूरती से इसको डिजाइन किया हुआ है। व्यूज लोकेशन इसकी DHA फेज 9 लाहौर है और इसकी आस्किंग प्राइस 2,80,00,000 है। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए गए सेल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा। मजीद अगर आप DHA लाहौर के किसी भी फेज में पांच मरला दस मरला एक कनाल और दो कनाल के घर या प्लॉट बाय करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए सेल नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।